हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मधुबाला की रसोई। आज हम बनाएंगे कांगड़ी धाम वाला खट्टा। बहुत ही स्वादिष्ट खट्टा बना है चने का, कांगड़ी धाम वाला। आइए बनाएं कांगड़ी धाम जैसा खट्टा। चने लिए हैं रात भर भिगो कर की एक कटोरी, चावल का आटा, ऑयल, लाल मिर्च, मेथी दाना, धनिया पाउडर, अमचूर, हल्दी, दो लाल मिर्च, दो तेज पत्तर, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इसमें लौंग, काली मिर्च, इलायची ली है, नारियल का बूरा, ये सौंफ है जिसे पाउडर बना लिया है, और नमक स्वाद अनुसार। ये चावल का आटा है, इसमें पानी डालकर थोड़ी देर भिगो दिया है इसे। कढ़ाई गर्म हो गई, ऑयल डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे, मेथी दाना भुन गया अच्छे से, इसका रंग चेंज हो गया है। लाल मिर्च डाल देंगे, खड़े मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता ये भी डाल देंगे, अब ये सभी मसाले इसमें डाल देंगे। मसालों की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मसालों को भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले थोड़ा चला लेंगे। अब चने डाल देंगे, चने गल जाएं तो ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके 10 मिनट ढक्कन हटा करके चेक करेंगे। चने अच्छे से गल गए हैं, ये बिल्कुल गल गए हैं। अमचूर मसाला डाल देंगे, और ये काला रंग जो बाजार में मिल जाता है हमें रेडीमेड, वो भी डाल देंगे बीच में, जिससे खट्टे का कलर जो है थोड़ा काला काला आता है, ऐसा ही होता है खट्टे का कलर।
अब ये चावल के आटे का घोल भी डाल देंगे। बढ़िया से मिक्स करके पानी डाल देंगे, दाख भी डाल देंगे। खट्टा अच्छे से पक गया है, अब इसमें नारियल का बूरा डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब इसे अलग बर्तन में निकालेंगे। अभी इस खट्टे में थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट खट्टा बना है।